हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष और स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम क्लास 8 साइंस। ऑलराइट, देखो यहां अपन बात करने वाले हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल से पास होगा तो उस टाइम पर उसके कौन कौन से वहां पर इफेक्ट बन सकते हैं, कि करंट के पास होने से उस केमिकल में कौन कौन से इफेक्ट जनरेट हो सकते हैं, वहां पे कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, ये सारे जो एक्सपेक्ट है अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट, कुछ बेसिक्स यहाँ का है वो अपन देखते हैं एक बार पहले। तो वो बेसिक की बात करूं तो पहले अपन जानते हैं कि व्हाट आर द कंडक्टर्स, है ना। यहाँ पे दो टर्म आएगी, एक कंडक्टर आएगा एंड द नेक्स्ट वन विल बी इंसुलेटर, है ना। तो पहले अपन बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं या किन मटेरियल को अपन कंडक्टर बोल सकते हैं। तो आसान सी बात बोलूं मैं कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें करंट फ्लो हो सके, है ना, जिनमें करंट फ्लो हो सके उनको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और मटेरियल विच अलाउ द करंट, है ना, दीज आर नोन एज कंडक्टर। तो इसमें लिखो आप मटेरियल, मटेरियल इन विच करंट कैन फ्लो, करंट कैन फ्लो are known as conductor. All right. इसके एग्जाम्पल देखे अपन कि कंडक्टर वाले जो मटेरियल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आप याद कर लेना। पहले अपन बात करते हैं कॉपर के बारे में, कॉपर इज ए कंडक्टर। इसके अलावा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, एटसेट्रा, दीज ऑल आर कंडक्टिंग मटेरियल। इट मीन्स कि इन मटेरियल के थ्रू करंट पास हो सकता है, है ना, यहां इनमें से करंट फ्लो कर सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, इंसुलेटर। अब देखो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर, कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जो करंट को अलाउ नहीं करते हैं उनको अपन बोलेंगे इंसुलेटर, है ना। तो इसमें लिखो आप मटेरियल दोज डोंट अलाउ द करंट, डोंट अलाउ द करंट आर नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर और इनका एक और नाम हो सकता है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। ऑल राइट, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो नेचर में ऐसे मटेरियल भी होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे जो करंट को अलाउ नहीं करते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। जैसे अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक तो हो गया वुड, अपन ये बोल सकते हैं कि जो वुड होती है दैट इज अ बैड कंडक्टर, है ना, उसमें करंट इतना सही से फ्लो नहीं करता, है ना, वुड के अंदर। इसके अलावा हो गया प्लास्टिक, है ना, आपने सुना भी होगा कि घर में अपन बोलते हैं कि जब भी अपन को इलेक्ट्रिकल काम करते हैं ना उस टाइम पे प्लास्टिक अपन पहन लेते हैं हाथ के ऊपर, जिससे करंट अपने अंदर नहीं आता ना, तो प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा एक हो गया रबर हो गया, तो दीज ऑल आर इंसुलेटर और बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ऑल राइट, ये आप नोट कर ले और आगे अपन बात करते हैं। देखो इतना आपको पता है पहले से ही कि सॉलिड्स में करंट फ्लो कर सकता है, भले कोबाल्ट मान लो, आयरन मान लो, तो इन मटेरियल में करंट फ्लो करता है। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या सर लिक्विड में करंट फ्लो करता है क्या, मान लो कोई लिक्विड है, क्या उस लिक्विड के थ्रू करंट पास कर सकता है क्या। तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आप नोट करें एंड वी विल मूव फर्दर। ऑल राइट, अब देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड, है ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड। ऑल राइट, अच्छा पहली बात तो व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट से ही, कि मतलब करंट का फ्लो करना। तो अब क्वेश्चन ये है अपने सामने कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिक्विड में कंडक्ट होती या नहीं होती। तो देखो इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, वी आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, है ना, उसके लिए अपन एक सेटअप तैयार करते हैं। मान लो कि यहां पर एक बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, ये इसका प्लस का एंड है, ये इसका माइनस का एंड है। ऑल राइट, यहां पर एक मान लो बल्ब है, ठीक है, और इसकी ये कनेक्टिंग वायर्स है, इन वायर्स को अपन यहां से निकाल के, ठीक है,
इन दोनों वायर के दो एंड अपन यहां पे डिप करते हैं एक लिक्विड के अंदर। ये वेसल है, कंटेनर है, और यहां पे लिक्विड अपन ने फिल कर रखा है इसके अंदर। अब ये लिक्विड कौन सा लें अपन, तो एक बार के लिए आप यहां पर लीजिए लेमन जूस। लेमन जूस है ना, ये सॉल्टी होता है, इसके अंदर आयंस होते हैं। ऑल राइट, और देखो अभी अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पे सर्किट में करंट है या नहीं, तो उसके लिए अपन ने यहां पे बल्ब जोड़ दिया है। अब यदि ये बल्ब ग्लो करेगा, यदि ये बल्ब ब्राइट हो जाएगा, इट मींस कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ऑल राइट, देखो एक यहां पे आप की ओर लगा दीजिए स्विच की, सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए वी कैन यूज की। अच्छा, अब जैसे ही आप सर्किट को ऑन करते हो, की को ऑन करते हो, तो वहां यदि करंट बनेगा तो बल्ब ब्राइट होगा, और या आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बल्ब यहां पे ब्राइट होता है, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और यदि बल्ब ग्लो कर रहा है इट मींस कि इसमें करंट आ रहा है, और वो करंट कहां से आया होगा, तो करंट इस बैटरी के प्लस से है ना लीव होके यहां से, उसके बाद में इस लिक्विड के थ्रू यहां से यहां पहुंचते हुए इस बल्ब से पास हो गया होगा, और तभी ये बल्ब अपना ब्राइट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बल्ब ब्राइट होता है, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। हेंस वी कैन से दैट लिक्विड अलाउ द करंट, लिक्विड अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, तो आज के बाद में आप इसका आंसर याद रखें कि लिक्विड लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि क्या सर सारे लिक्विड करंट को कैरी करते हैं क्या, क्या हर किसी लिक्विड में करंट फ्लो करेगा क्या, तो इसका आंसर रहेगा नो। कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो एज ए बैड कंडक्टर बिहेव करते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है। यदि आप यहां लेमन जूस के सिवाय यदि आप यहां पे डिस्टिल वाटर काम में लोगे, डिस्टिल वाटर, तो उस केस में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। किस केस में, इन केस ऑफ डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ठीक है ना। ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि जिन मटेरियल में, जिन लिक्विड्स में करंट फ्लो नहीं करता है, दीज आर कम्स अंडर द इंसुलेटर कैटेगरी। तो जो डिस्टिल वाटर है वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर, और जो लेमन जूस है वो क्या होगा, आपका कंडक्टर होगा, है ना। तो जो केस सॉलिड्स में बनता है, कि सॉलिड्स दो टाइप के हो सकते हैं है ना, कंडक्टर या इंसुलेटर, वैसे लिक्विड भी जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो कंडक्टिंग होंगे या इंसुलेटर होंगे। ऑल राइट, इसके अलावा जैसे मान लो अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल भी एक है ना इंसुलेटर का एग्जाम्पल ही है, अल्कोहल के थ्रू भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके अलावा मान लो ऑयल हो गए, इनमें भी करंट फ्लो नहीं करता है। ऑल राइट, वॉटर है ना, वॉटर में करंट फ्लो करेगा है ना, टैप वाटर हो गया, तो टैप वाटर में करंट फ्लो करता है, अच्छे से करंट फ्लो करता है, वो एक अच्छा कंडक्टर है। बट जो डिस्टिल वाटर है वो करंट को कंडक्ट नहीं करता है। इसका वजह, इसका रीजन ये होता है क्योंकि डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते हैं, है ना, उसमें साल्ट नहीं होता है, और यदि आयन नहीं होंगे तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो आयन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और बिना आयन के करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे लिक्विड में आयन होंगे और सॉलिड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। समझे इस चीज को आप, कि सॉलिड चीज में करंट क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लिक्विड में करंट फ्लो क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ आयंस। अब जिन लिक्विड्स में आयंस एब्सेंट रहेंगे वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा, और उनको अपन क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोल देंगे उनको अपन, है ना। अच्छा, यदि आप एक और काम करें कि इस डिस्टिल वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर दो, आप दो तीन स्पून आप यहां पे साल्ट की इसमें आप ऐड कर दो, किसमें, डिस्टिल वाटर में, तो आप फिर ये ऑब्जर्व करोगे कि अब करंट फ्लो करेगा, क्योंकि साल्ट जो है वो ऐड करने से जो आयन की कमी थी वो फुलफिल हो गई, और वहां पे आयन जनरेट हो गए। यदि वहां पर आयन जनरेट हो गए, देन देर विल बी एन करंट ऑल्सो। ऑल राइट, तो ये आप नोट करें, इसका जो कंक्लूजन है वो ये रहा कि लिक्विड में करंट फ्लो कर सकता है, जिनमें करंट फ्लो करेगा दीज विल बी नोन एज कंडक्टिंग लिक्विड्स, और जिन लिक्विड्स में करंट फ्लो नहीं करेगा उनको अपन बोलेंगे इंसुलेटर लिक्विड्स। ऑल राइट, इसको नोट करें, वी विल मूव फर्दर। देखो आगे अपन एक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस का नाम होता है एलईडी, जिससे आप फेमिलियर हो,
कि एलईडी क्या होता है और एलईडी को अपन इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन भी क्या है ना, देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट। देखो एलईडी को यहां अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, ये चीज आपको टेस्ट करना हो तो यू कैन यूज एलईडी। जैसे अभी आप बल्ब काम में ले रहे थे करंट को चेक करने के लिए कि करंट है या नहीं है, बट बल्ब से बेटर ऑप्शन है एलईडी। इसका रीजन ये है क्योंकि बल्ब जो होता है एक बड़े करंट पे काम करता है, एक लार्ज करंट पे ऑपरेट होगा, बट जो एलईडी डिवाइस है, जो एलईडी होती है वो काफी वीक करंट पे भी ऑपरेट हो जाती है। इसीलिए अपन जनरली किसी सर्किट में करंट को चेक करने के लिए वी यूज एलईडी। ऑलराइट, तो पहली बात तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलईडी का फुल फॉर्म होगा लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद में इसका यूज क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो इसका यूज यहां पर तो एक ही है कि इट कैन डिटेक्ट अ वेरी वीक करंट इन सर्किट है ना। और एक और बात लिखो इसके बारे में, है ना, इट इज यूज्ड एज करंट टेस्टर, करंट को टेस्ट करने वाला ना, करंट टेस्टर इन सर्किट्स, है ना। बाकी इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट अभी अपन यहां पढ़ रहे हैं इस वाले रेस्पेक्ट में कि अपने को करंट चेक करना है कि मान लो कि सर्किट में बहुत कम करंट फ्लो हो तो उस करंट को अपन माना विद हेल्प ऑफ एलईडी अपन उसको पकड़ पाएंगे उस करंट को। ऑलराइट, अब बात करता हूं मैं इसके डायग्राम के बारे में कि एलईडी कैसा होता है। तो देखो एलईडी का सेफ ऐसा होता है, इस टाइप का, यहां पर दो टर्मिनल होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो लार्जर टर्मिनल है, जो लार्जर है लेंथ वाइज, वो होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉलर है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अंदर लाइट होगी यहां पर, वो लाइट यहां ब्राइट करती है, ठीक है ना, और काफी कम करंट पे वो लाइट अपनी ब्राइट कर जाएगी। ऑलराइट, देखो यहां पर इन दोनों को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड, इनका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोड, है ना। कि ऐसे कोई भी डिवाइस जिसमें दो एंड होते हैं उन दोनों को अपन कंबाइनली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। और जो प्लस वाला होता है दैट इज एनोड, एंड जो माइनस वाला होगा दैट इज कैथोड, है ना। भले बैटरी की बात करूं तो देखो बैटरी के अंदर भी ना दो टर्मिनल होंगे, प्लस का और माइनस का, तो प्लस वाले को अपन क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और जो माइनस का टर्मिनल होगा उसका नाम क्या होगा, कैथोड। तो किसी भी डिवाइस में यदि दो टर्मिनल है और उनमें एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस को अपन बोल सकते हैं एनोड, एंड जो माइनस वाला होगा दैट विल बी कैथोड। ऑलराइट, तो यहां पर ना दो लीड होगी, यहां पर इनको लीड बोलते हैं अपन, पॉजिटिव लीड एलईएडी, और इसका नाम होगा नेगेटिव लीड। ऑलराइट, और ये जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने बहुत बार देख भी रखा है ना, दीपावली के फेस्टिवल पर अपन अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, तो उस टाइम पे अपन जो लाइटनिंग काम में लेते हैं तो उनमें आपने देखा होगा एक ऐसा डिवाइस भी आता है, एक ऐसा भी एक एलिमेंट आता है, उसी को अपन बोलते हैं एलईडी, है ना, एलईडी। ऑलराइट, ये कंप्लीट हो गया अपना, आगे मूव करेंगे अपन, और अब अपन मूव करने वाले हैं अपने मेन चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब बात करने वाला हूं कि वो कौन कौन से इफेक्ट है जो एक केमिकल में करंट पास करने से जनरेट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले, एक मिनट, होल्ड ऑन। ठीक है, देखो आगे अपन बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली बात तो मैं इसको डिफाइन करूं, इस चीज को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को, तो आप इसमें लिखो द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाईपासिंग
थ्रू ए सॉल्यूशन, थ्रू ए सॉल्यूशन और वी कैन से लिक्विड, ना वी कैन से लिक्विड इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑलराइट, अब देखो यहां पे पहले भी आपको मैंने कहा था कि कौन कौन से इफेक्ट बन सकते हैं, तो इनकी एग्जांपल लिखो आप इफेक्ट्स के. तो पहला यहां बन सकता है, है ना, टू फॉर्म ए न्यू गैस, टू फॉर्म ए न्यू गैस की मान लो कि करंट पास करने से इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई नई गैस फॉर्म हो जाए, है ना, या इसके अलावा है ना टू फॉर्म ए कलर, कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई कलर का बन जाना, कोई कलर फॉर्म हो जाए, है ना, ये चीज एक. या इसके अलावा अपन बात करें डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल, डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कि कोई मेटल का दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, टूट जाना, दिस इज ऑल राइट. अच्छा, ये तो इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है ना. अभी यहां पर अपन बात करने वाले हैं मेनली इन दो के बारे में, एक तो इसके बारे में और एक इसके बारे में. तो दो इफेक्ट है ना, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं यहां पर. इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका फायदा क्या होगा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिना, ठीक है. तो ये आप नोट करें एंड वी विल मूव फर्दर. देखो अभी ये कलर कब बनेगा, कलर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना, उसको है ना जस्टिफाई करने के लिए यू कैन डू एन एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो और इन लैब. जैसे मान लो मैं एक काम करूं कि मेरे पास में यहां पे एक बैटरी है, ठीक है, ये इसका प्लस का एंड, ये माइनस का, ऑल राइट, और यहां पर एक की है और इसके कनेक्टिंग वायर यहां पर आ रखे हैं, दो कनेक्टिंग वायर मैंने यहां पे निकाल लिए, ठीक है. और अब देखो कि यदि मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ में एक पोटैटो है ना, ठीक है ना, आलू, तो उस पोटैटो को यदि मैं हाफ काट के यहां पे इसमें इंसर्ट कर दूं, यहां पर ये पोटैटो है ना, और इस करंट को आप फ्लो होने दो अप्रोक्स 5 से 10 मिनट के लिए, तो आफ्टर 5 to 10 मिनट यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि इसके इस वाले एंड पर जो कनेक्टिंग वायर बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, उस एंड पे आपको एक ग्रीन सा स्पॉट दिखेगा, ग्रीन स्पॉट. अब ये स्पॉट पहले नहीं था, करंट फ्लो करने से पहले स्पॉट वहां पे नहीं था, बट इस पोटैटो के इस वाले एंड पर यहां पर कुछ देर बाद में करंट की वजह से एक ग्रीन स्पॉट यहां पे जनरेट हो जाएगा, हरा सा स्पॉट. अब ये स्पॉट कैसे आया होगा, वो चीज अपने सिलेबस में नहीं है इतनी तो, बट इतना अपन समझ सकते हैं कि जरूर यहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, किस किस के बीच में, करंट के बीच में और पोटैटो के बीच में, और उस रिएक्शन की वजह से यहां पे जो कलर है वो फॉर्म हो गया. तो ये एक जो फर्स्ट इफेक्ट अपन पढ़ रहे हैं कि किसी कलर का फॉर्म हो जाना, है ना, करंट के पास होने से किसी कलर का फॉर्म होना, तो ये इसका जो एक्टिविटी है ये आप लैब में ऑब्जर्व कर सकती हो, ठीक है. अच्छा, अब देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें. अब जो नेक्स्ट इसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में जो नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन. जो फर्स्ट अपन ने बात की वो अपन ने बात कर ली कलर के बारे में, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट जो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना. तो ये आप, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और आप इसमें लिखो नेक्स्ट फिनोमिना का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आजकल इंडस्ट्री में काफी है ना ज्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना. तो इसका पहला पॉइंट आप लिखो, इट इज ए केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये करंट का ही केमिकल इफेक्ट है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रहे हैं. अब रही बात की ये होता क्या है, तो सिंपली बोलूं मैं आपको, तो किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को है ना डिपॉजिट करना. जैसे मान लो कि आयरन है और आयरन के ऊपर अपन कोई दूसरा जो मेटल है सिल्वर मान लो आप, उसको मैं यदि वहां पे डिपॉजिट कर दूं आयरन के ऊपर, एक पतली सी परत लगा दूं मैं, तो इस प्रोसेस का नाम होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, है ना. जैसे मैं बात करूं तो ज्वेलर मेकर जो होते हैं ना सुनार, वो क्या करते हैं कि काफी चीप है ना मटेरियल के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं,
सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिससे जो आइटम है, जो मटेरियल है, वो काफी अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव बन जाता है ना। तो इसके बहुत सारे यूज और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई आयरन का ब्रिज है बहुत बड़ा वाला, है ना, उस आयरन के ब्रिज पर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन उसके ऊपर भी अपन कोटिंग कर सकते हैं किसी और मटेरियल की, जिससे कि वहां पे रस्टिंग वहां पे अकर नहीं होगी, है ना। या इसके अलावा जो अपने व्हीकल आते हैं, कार आती है, उन कार के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करना, क्योंकि क्रोमियम जो है काफी, है ना, अट्रैक्टिव होता है, काफी ब्राइट होता है, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे केस है जहां पर अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं, है ना। अब बात कर रहा हूं मैं कि ये कैसे होती होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसको समझने के लिए देखो, एक अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहां पर, कि पहले इसका जो डेफिनेशन वो लिखो आप, डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मटेरियल ऑन अदर मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज द डेफिनेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, कि किसी डिजायर्ड मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल पे सुपर इम्पोज करना, डिपोजिट करना, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। एंड दिस इज यूज्ड इन, है ना, इसके जो यूजेज है ना वो लिखो आप, इसके यूज रहेंगे इन ज्वेलरी या इन कार के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करना या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, है ना, और आयरन के ब्रिज के ऊपर और भी इसके अलावा बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं, पर जनरली ये ही अपन यहां पढ़ते हैं, है ना, ज्वेलरी में और कार के अंदर और इन ब्रिजेस, है ना, बड़े बड़े ब्रिज के ऊपर कोटिंग करना। अब ये अपन ने बात कर ली इसके बारे में कि हाउ वी कैन डिफाइन इट एंड व्हाट आर द यूजेस। अब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे अपन उसका जो पूरा प्रोसेस है अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना, पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे वहां पर केमिकल चेंजेस होते होंगे, क्या वहां पर रिएक्शन होती होगी। ऑल राइट, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए एक तो बैटरी, है ना, तो ये बैटरी मान लो। ऑल राइट, बैटरी के बाद में यहां पर एक की होगी, ठीक है, और यहां पे दोनों ये कनेक्टिंग वायर अपन निकाल लेंगे यहां तक, और इस वाले एंड पर अपन एक जोड़ेंगे कॉपर की प्लेट, ये कॉपर की प्लेट है, है ना, कॉपर की प्लेट, और इस वाले एंड पर होगी एक स्पून, चम्मच, है ना, यह स्पून जो स्टील की है, है ना, और इस पूरे सेटअप को वी विल इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। इस पूरे सेटअप को एक लिक्विड में आप डिप कर दो, ठीक है, और यह जो लिक्विड होगा वो आपका है कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होगा CuSO4, ठीक है, ये कॉपर की प्लेट है, ये कॉपर का जो केमिकल फॉर्मूला Cu होता है, तो ये कॉपर की प्लेट है, और ये जो है स्टील का स्पून है। एक बात मैं पहले ही कर लूं आपसे कि जो स्टील है उसका कलर होता है सिल्वर, है ना, जो स्टील है उसका कलर क्या होगा, सिल्वर होगा, है ना, और जो कॉपर होता है दैट इज रेड, है ना, वो कैसा होता है, रेड होता है। अभी जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे, है ना, की को आप यहां पे ऑन करना, तो ऑन करते ही यहां पे करंट फ्लो होगा, है ना, यहां पे करंट आएगा, करंट उसके बाद में यहां से आएगा और लिक्विड की हेल्प से करंट यहां से यहां मूव करके करंट वापस से यहां पे एंटर मार जाएगा। सर्किट कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हो गया है। आपने पहले ही पढ़ लिया कि लिक्विड में करंट फ्लो करता है, तो इस लिक्विड की हेल्प से करंट यहां से यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद में वापस से करंट यहां पहुंच जाएगा, एंड दिस विल रिपीट, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होने दो आप, ये प्रोसेस आप अप टू 15 मिनट इसको आप होने दो आप। 15 मिनट बाद में आप कुछ यहां पे ऑब्जर्व करोगे, है ना, 15 मिनट बाद में यदि आप स्पून को बाहर निकालोगे, देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि स्पून जो है, जो पहले सिल्वर कलर की थी वो अब आपकी रेड हो गई, है ना, दिस विल बिकेम रेड। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये जो स्पून थी जो पहले सिल्वर कलर की थी अब वो रेड क्यों हो गई? इस रेड के होने का रीजन ये रहा होगा डेफिनेटली कि जो कॉपर सल्फेट है
वो दो आयन में टूट गया, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 दैट डीकम्पोज इन टू आयन्स, एक Cu2+ और एक बनेगा SO4 2-। अब जब करंट यहां पे स्टेबलाइज हो गया था, करंट यहां फ्लो कर रहा था, तो ये जो Cu2+ आयन है ना, वो इस नेगेटिव के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ये आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये कॉपर 2++ का है और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है यहां पर, तो इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये Cu2+ जो है इस लिक्विड को छोड़ के इस स्पून पे आके इकट्ठा हो गया है ना। Cu2+ आयन विल अक्यूमुलेट ऑन द स्पून है ना। अब जैसे यहां से यहां पे डिकम्पोज हो गया, यहां पर आ गया, तो यहां लिक्विड में इस आयन की कमी आ गई, उस कमी को पूरा कर देगा यहां से ये कॉपर प्लेट से टूटा हुआ एक और आयन। तो यहां पे दो काम हो रहे है ना एक ही टाइम पर, कि इस कॉपर की प्लेट से कॉपर आयन जो है डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, और वो कहां आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, और वो लिक्विड का जो कॉपर 2+ आयन है, Cu2+ आयन है, वो इस नेगेटिव की अट्रैक्शन फोर्स की वजह से लिक्विड को छोड़ के स्पून पे आके इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, और ऐसा बार बार होने से इस स्पून का जो कलर जो पहले सिल्वर था अब कैसा बन गया, रेड हो गया, क्योंकि कॉपर कैसा होता है, रेड होता है। और अपन ने यहां पर यह देखा कि इस स्टील की स्पून पर अपन ने कॉपर की प्लेटिंग कर दी, कॉपर की कोटिंग कर दी है ना, तभी देखो तभी तो इसका कलर जो है ना कैसा हो गया, रेड हो गया। तो ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी है ना बेनिफिशियल भी है ना। ऐसा करने से देखो क्या हुआ कि अपन ने स्टील के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर दी है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू आर नीड यहां पर केमिकल अपन चेंज कर सकते हैं, या यहां पर जो स्पून है वो अपन चेंज कर सकते हैं, बट जो बेसिक है वो अपने को मालूम पड़ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है ना, दिस इज पॉसिबल। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहां पर दो बात मैं और बोल दूं आपको, इसको अपन बोलेंगे एनोड, इसका नाम होगा कैथोड, जिस वाले एंड में करंट एंटर मार रहा है उसको अपन बोलते हैं एनोड, और जिस वाले एंड से करंट आपका लीव हो रहा है, एमिट हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे कैथोड। तो ये फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं मैं, तो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड है ना, ये आप याद कर सकते हो उस चीज को आप, एनोड एंड कैथोड, एंड एनोड एंड कैथोड बोथ आर कंबाइंडली नोन एज इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना। अच्छा अब देखो यहां पर इसके बाद में अपन बात करें कि इसके जो एडवांटेज है ना वो अपन ने पहले भी लिख लिए, अपन ने इसको आप एक बार और देख लो एडवांटेज इसके होंगे। पहला अपन बात करें तो इन कार है ना, कार के अंदर अपन क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, जिससे कि वो जो कार है काफी अट्रैक्टिव बन जाती है ना। ऑल राइट, इसके अलावा इन ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी में भी अपन काफी चीप मटेरियल के ऊपर अपन किसी सिल्वर की या गोल्ड की अपन वहां प्लेटिंग कर सकते हैं, तो इन ज्वेलरी। एंड लास्ट में अपन बात करते हैं इन आयरन ब्रिजेस, आयरन के ब्रिज में रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन डू है ना कोटिंग, किसकी, निकल की या कोबाल्ट की, जिससे वहां पे जंग वंग का कोई भी है ना इश्यू नहीं आएगा। ऑल राइट, तो दिस इज कंप्लीट अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ये आपका चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट है ना देन यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिलो। ओके ऑल राइट, एंड अपन नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है कहीं पर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको वहां पे डाउट का आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।